हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने इसके पहले वाले लेक्चर पे आपको जैसे कंट्रोल बटन्स और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो आज हमें सीखना है कि फाइल टैब, ये जो हमारे कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हमारा 5 नंबर है रिबन। कौन सा 5 नंबर है? रिबन। तो ये रिबन कहाँ स्थित होता है और इससे हम करते क्या है, तो देखिए सीखते हैं हमें क्या करते हैं हम रिबन से। देखिए सबसे पहले हमारा है 5 नंबर रिबन। इसके पहले हमने आपको बताया था जैसे फाइल टैब, कंट्रोल बटन्स, क्विक एक्सेस टूल बार, और हमने बताया था कई सारी चीजें इसके पहले वाले लेक्चर पे। तो आज हमें देखना है कि रिबन क्या होता है। देखिए रिबन, और ये स्थित कहाँ होता है? देखिए टाइटल बार के नीचे के पैनल को रिबन कहते हैं। बताया जा रहा जो टाइटल बार होता है, हमने जिसके बारे में आपको इसके पहले वाले लेक्चर पे बताया है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जाके जरूर देख लें। बताया जा रहा कि टाइटल बार के नीचे का जो पैनल होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। इस पर टैब्स होते हैं जिन पर क्लिक करने से विभिन्न ग्रुप प्रदर्शित होते हैं। और आगे बताया जा रहा कि जिन पे क्या होते हैं, रिबन पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं तो उनसे संबंधित ग्रुप जो होते हैं हमारे रिबन पे ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से देखते हैं क्या है, टाइटल बार के नीचे के पैनल को रिबन कहते हैं। टाइटल बार के जो नीचे का पैनल होता है, जैसे ये हमारा होता है टाइटल बार, तो उसके नीचे का पैनल जो यहाँ पे सेलेक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्टेड एरिया, ये हमारा कहलाता है रिबन। इस पर कुछ स्टेप्स होते हैं जिन पर क्लिक करने से विभिन्न ग्रुप्स प्रदर्शित होते हैं। इन पर कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब, ये सारे हमारे जो हैं ये टैब्स होते हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं तो इनसे संबंधित ग्रुप्स जो होते हैं ये हमारे कहाँ पे ओपन होते हैं? रिबन पे ओपन हो जाते हैं। यही था हमारा रिबन। नेक्स्ट आगे देखते हैं टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टेक्स्ट एरिया। देखिए नंबर 6 टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है? देखिए यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार एक क्षेत्र होता है जिसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या किसी इमेज को जोड़ सकते हैं। जो हमारा टेक्स्ट एरिया बताया जा रहा है, ये हमारा एक प्रकार से पेज होता है जिस पे जैसे हमें कुछ टाइप करना है या कोई चीज डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, जिसको हम आपको इसके अगले वाले लेक्चर्स पे बताने वाले हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम इसके टूल्स के बारे में सीख लें तो हमें इसमें काम करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें कुछ टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं या किसी भी इमेज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आप नोट्स देख रहे हैं, ये हमारी जो नोट्स क्रिएट की गई है ये एमएस वर्ड पे ही क्रिएट की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड पे हमने नोट्स क्रिएट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे आप 6 नंबर हेडिंग ही देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज हमने इंसर्ट करके लगा दी है तो हमारा डॉक्यूमेंट्स अच्छा लगने लगा देखने में और समझ में भी आने लगा क्या समझाया गया है यहाँ पे। ये था हमारा टेक्स्ट एरिया। जैसे कुछ भी हमें लिखना हो तो हम इसी पेज पे लिखते हैं, या कोई इमेज ऐड करनी है तो इसी पेज पे हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली हेडिंग। नेक्स्ट हमारी 7 नंबर इंसर्शन पॉइंट। ये इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? देखिए इंसर्शन पॉइंट को कर्सर के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा जो इंसर्शन पॉइंट होता है इसे हम कर्सर के नाम से भी जानते हैं। यह टेक्स्ट एरिया का कर्सर होता है। ये जो इंसर्शन पॉइंट होता है ये टेक्स्ट एरिया का हमारा कर्सर होता है। यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। ये बताया जा रहा कि ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, इंसर्शन पॉइंट, टेक्स्ट एरिया का कर्सर, ये क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। कर्सर जिस स्थान पर होता है टेक्स्ट उसी स्थान से टाइप होना आरंभ हो जाता है। ये तो आपने देखा भी होगा कि जैसे जहां पे हमारा टेक्स्ट टाइप करना होता है हम पहले अपने कर्सर को वहां पे रखते हैं जाके, जहां पे हमारा कर्सर होता है वहीं से हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट
हो जाता है। ये होता है इंसर्शन पॉइंट। इसको हम किस नाम से और जानते हैं? कर्सर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जूम स्लाइडर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जूम स्लाइडर। देखिए जूम स्लाइडर क्या होता है, 8 नंबर है जूम स्लाइडर। देखिए जूम स्लाइडर के बारे में देखते हैं। इस स्लाइडर की सहायता से यूजर डॉक्यूमेंट के आकार को घटाया बढ़ा सकता है। अगर कभी हमें इसे जूम इन या जूम आउट करना हो तो क्या कर सकते हैं, हम जूम स्लाइडर का यूज कर सकते हैं। और ये जूम स्लाइडर होता कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जूम स्लाइडर जो सेलेक्टेड एरिया हमारा है, ये हमारा जूम स्लाइडर होता है। ये हमारा स्टेटस बार होता है और उसी पे स्थित होता है हमारा जूम स्लाइडर। हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्स के आकार को हमें घटाना है या बढ़ाना है तो हम जूम स्लाइडर की सहायता से घटाया बढ़ा सकते हैं आसानी से। आई होप आपको हमारे सारे कंटेंट समझ में आ रहे होंगे और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले। हिंदी में कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको एमएस एक्सेल के बारे में सीखना है तो हमने उसके भी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, और जिसमें हमने आपको पहले नोट्स पढ़ाई है, उसके बाद हमने उसके प्रैक्टिकल्स भी बता रखे हैं। अगर आपको टैली प्राइम के बारे में भी सीखना है तो हमने उसके भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकली टैली प्राइम के बारे में भी बताया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए एमएस वर्ड की तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।